अभी मैं आप लोगों को एक कार्ड दूंगा, ठीक है, आप सब बच्चों क्या आप लोगों ने ढूंढ नहीं कर सकते, आप लोगों ने संभाल के रखे, हाँ पहले वाले के वो भी संभाल के, सारे बच्चे दो बच्चे हैं, दो बच्चे उसे आप सारे बच्चों ने इस कार्ड को देखना, इस कार्ड के ऊपर हजरत नूह की पिक्चर है, हजरत नूह कश्ती बना रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग हैं जो लोग उसको कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने ये पिक्चर, इस पिक्चर को, पिक्चर के थ्रू आपको स्टोरी में सुनाऊंगा, ठीक है, और अभी आप लोगों को एक पिक्चर दूंगा, ये पीछे बाजू में देखिए उनको सेकंड स्टोरी वाली है ना, तो मतलब कि वो पिक्चर कार्ड के दो बच्चों ये बन जानवर का जो जोड़ा है वो अपने साथ रखा,
उस कश्ती के अंदर और अपने पूरे खानदान में, ठीक है। और खुदा ने, क्योंकि खुदा दुनिया से सख्त नाराज था क्योंकि दुनिया में काफी गुनाह फैल गया था और लोग खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं कर रहे थे, तो खुदा ने पूरी दुनिया को फना करना था पानी से, ठीक है। और ऐसा हुआ कि नूह जो है वो कश्ती में बैठा अपनी फैमिली को लेके, अपने खानदान को लेके और अपने जितने भी जानवर जो खुदा ने उसको खड़े थे वो सब ले गए, ठीक है। और वो बैठा और कश्ती चल गई और तूफान आ गया, ठीक है। और तूफान आ गया और लोग, जितने भी लोग थे मतलब उस वक्त के जमाने में, वो सब पानी से गर्क हो गए, वो सब तबाह हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, खेत नौकर चाकर माल मवैशी सब कुछ पानी से तबाह हो गया, ठीक है। सिर्फ बच गया नूह, ये आप देख रहे होंगे ये पिक्चर, ठीक है, देखे वो अपने साथ चला गया। और चाहता था, खुदा का एक प्लान था, खुदा ने पूरी दुनिया को तूफान से तबाह कर दिया, सिर्फ बच गया कौन, और नूह बच गया, उसका खानदान बच गया और जानवरों का एक एक जोड़ा बच गया, क्योंकि खुदा ने ऑब्वियसली आगे भी तो चलना था ना, जनरेशन को जानवरों को आगे भी लेके जाना था, तो एक एक जानवर का जोड़ा बच गया, नूह का खानदान बच गया। और खुदा ने 40 दिन और 40 रातें जो है वो तूफान रहा, पानी रहा, ठीक है, और उसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, पानी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और पूरी दुनिया तबाह हो गई और सिर्फ बच गया नूह और उसका खानदान। और उसके बाद खुदा ने एक वादा किया कि मैं अब किसी दुनिया को पानी से नहीं मारूंगा, दुनिया को पानी से तबाह नहीं करूंगा। अब आप लोग अक्सर देखते हो, मैं भी सोचता था इस बारे में कि अक्सर आप लोग देखते हो कि जहाँ पे पानी के तूफान आते हैं वहाँ पे काफ़ी लोग मर जाते हैं, ज़मीनें वगैरह तबाह हो जाती हैं, तो वो एक स्पेसिफिक एक सिर्फ एक जगह है, वो पूरी दुनिया नहीं है। उस वक्त क्या खुदा ने किया था कि खुदा ने पूरी दुनिया को तबाह किया था, खुदा ने पूरी दुनिया को पानी की मतलब पानी से लपेट लिया था, पूरी दुनिया तबाह हो गई, ठीक है। तो एक आप देख रेनबो देखते हो ना सारे बच्चे, जो रेनबो है बच्चों, को खुदा का वादा है कि खुदा अब किस दुनिया को पानी से तबाह नहीं करेगा, ठीक है, ये खुदा ने वादा किया था। और वो जो रेनबो बनती है वो उसी वादे की वजह से खुदा ने, वो उस वादे की निशानी है, वो आप जब भी देखते हो तो आपको शायद वो मतलब मुझे तो वो खुदा का वादा याद आता है कि जो खुदा ने उनके साथ किया था कि मैं आप दुनिया को पानी से तबाह नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये स्टोरी थी आज के लिए आपके लिए, ठीक है। और अब कोई बच्चा इसको, मैं आप लोगों को बच्चों को ये स्टोरी समझ आई, अब मैं आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोगों ने मुझे उस क्वेश्चन से आंसर कर ही रहा। और कितने लोग मतलब कौन कौन बचा, गुड। और रेनबो किस खुदा के वादे की निशानी है, एक बच्चा बताए खड़ा होके, दाइम तू बता खड़ा होके, जो खुदा के हुक्मों पर चलता है और अमल करता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब बच्चों आप लोगों को एक आयत सिखाऊंगा मैं, ठीक है, आप लोगों को एक आयत सिखाऊंगा अभी, और हम लोगों को खुदा की आवाज़ को सुनना चाहिए। मैं जब छोटा था मतलब
मैट्रिक में था, खुशी में था, तो शायद मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये काम कहानी सुनाई है। वो कहानी ये थी कि नूह ने कैसे खुदावन के हुक्म पर अमल किया और उसने उस खुदावन का जो ऑर्डर था उसको उसने खुदावन के ऑर्डर को माना और उसने उस ऑर्डर के मुताबिक कश्ती बनाई। ठीक है, तो ऐसे ही हमें अपनी जिंदगी में जो हमारी लाइफ है, जो हमारी अभी जो कौन खुदावन हमें आवाज देता है वो हमें बुलाता है और हमें उसकी बात को सुनना है अटेंटिवली। ठीक है, और वो बात हम कैसे सुन सकते हैं कि हमारा खुदावन के साथ एक अच्छा रिलेशन हो और वो रिलेशन नहीं बनेगा जब आप लोग मेरी बात को अटेंटिवली सुनेंगे और मेरी बातों पर अमल करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को जो बातें सिखा रहा हूँ वो खुदावन की बातें हैं और उन बातों पर अमल करते हुए आप अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की हासिल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीक जब आप लोग आए थे पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को एक बात बता दी कि आप लोगों ने दुआ कर दी। ठीक है, दुआ करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली स्टेज है, पहली स्टेज मतलब एक पहली सीढ़ी है खुदावन के साथ एक अच्छा कॉन्टैक्ट बना दें। ठीक है, जब आप लोग सुबह उठ के दुआ करते हैं, रात को सोने से पहले दुआ करते हैं, तो खुदावंद आप लोगों को देख रहा है, खुदावंद हर वक्त आप लोगों को देख रहा है, कोई ऐसा वक्त नहीं है, कोई ऐसा पहर नहीं है दिन का या कोई ऐसा टाइम नहीं है जिस वक्त आप लोग अगर कोई काम कर रहे हो और आप लोग ये सोच के कर रहे हो कि खुदावंद आप लोगों को नहीं देख रहा, खुदावंद आप लोगों को देख रहा है और खुदावंद चाहता है कि आप उसके बच्चे हैं, उसकी औलाद है, खुदावंद चाहता है कि आप लोग उसके पास आए, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए, एक अच्छा रिश्ता बनाए खुदावंद के साथ और उसके हुक्मों पर मानिए। ठीक है, और खुदावन के हुक्म को माना नूह ने। ठीक है, उसने खुदावन के हुक्म पर अमल करते हुए कश्ती बनाई और खुदावन ने उसको बरकत दी और खुदावन ने उसको उसकी जो खानदान था उसको बचाया। ठीक है, इसी तरह ही आपको आज एक वर्ड सिखाऊंगा मैं, वो वर्ड है खुदावन पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। ठीक है, हम लोग जो इंसान है, जो आजकल के हमारे जो लोग हैं, अगर मैं आपको की बात करूंगा, कई दफ़ा ऐसा हो सकता है कि शायद आप लोगों की आप किसी दोस्त ने आपसे या किसी अहबाब ने आपसे कोई बात की हो जो कि उसने नहीं पूरी की हो, लेकिन खुदावंद ऐसा नहीं है। खुदावंद जो भी अगर आप लोग खुदावंद पे तवक्कुल करते हैं, खुदावंद पे ईमान है, खुदावंद पे यकीन है, खुदावंद पे भरोसा है, आप लोग खुदावंद से कुछ भी मांगिए 100% ईमान के साथ मांगिए तो खुदावंद देगा। आई एम 110% श्योर कि खुदावंद आप लोगों को हर वो बरकत देगा अगर आप लोग खुदावंद के साथ चलेंगे। ठीक है, कोशिश मेरी यही है कि मैं आप लोगों को जिस तरह आप लोग जिस्मानी तरक्की करें उसी तरह आप लोग रूहानी तरक्की भी करें। ठीक है, और रूहानी तरक्की तब ही होगी आप लोगों की जब आप लोग यहाँ पे आएंगे, आप लोग मेरी बात को अटेंटिवली सुनेंगे। ठीक है, और आप लोग उस पर अमल करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को एक वर्ड सिखाऊंगा, खुदावंद पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। ठीक है, आप इंसानों के पीछे नहीं बल्कि अपने खुदावंद पर सीधी अपनी आंखें उठाएं और खुदावंद से जो कुछ भी, आपको पता है जब हम चर्च जाते हैं तो हम किसी इंसान से नहीं बल्कि जिंदा खुदावंद से मांगते हैं ताकि वो हमें सब कुछ देगा। बहुत से बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि खुदावंद मुझे स्कूल के बैग भी ले देगा, किताबें भी ले देगा, तो ऐसा ही है, खुदावंद आपको सुबह से शाम तक जिंदगी की सारी जरूरियात देता है। तो इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र भी करते हैं। खुदावंद भरोसा रखने से बेहतर है। अभी आप में से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? सब जाते हैं, वेरी गुड। तो आपने अपने अपने बैठने से भी ये जाहिर करना है, लकी आप आए और एक दफा आप और आए फिर आप आएंगे। ठीक है, तो आप मेरी कोशिश है ऊंची आवाज में आपने सुनाना और पीछे तक आपकी आवाज जाए। ठीक है, पूरे ध्यान से और हाथ गोद में रख के सब बच्चे कोशिश करें कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, क्योंकि हम मसीह के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए हम बहादुर भी हों अपने मसीह के। खुदा पर तवक्कुल करना, इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। और कौन शाबाश बच्चों, ये जो हाथ होते बिल्कुल स्ट्रेट, खुदावंद पर
भरोसा अपने से बेहतर है। इस तरह से पता चलता है कि आप कितने अच्छे बेटे और बेटी हैं। अच्छे कामों में बढ़ चढ़ कर अच्छा सबसे पहले